क्वेश्चन नंबर वन, विच कैन बी यूज फॉर क्विक एक्सेस टू कॉमनली यूज कमांड एंड टूल्स। तो एमएस वर्ड में हमें अगर क्विकली यूज करना हो तो किसे यूज करेंगे? ऑप्शन ए स्टेटस बार, ऑप्शन बी टूल बार, ऑप्शन सी मेनू बार एंड ऑप्शन डी टाइटल बार। तो इस ऑप्शन में कौन सा करेक्ट आंसर है आप फटाफट बताइए, तब तक मैं इसका आंसर बताती हूँ। चलिए दोस्तों देखते हैं एमएस वर्ड में टाइटल बार, मेनू बार, क्विक एक्सेस बार किसे कहते हैं। तो देखिए जो सबसे पहले ये यहाँ पर डॉक्यूमेंट टू वर्ड लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है इसे हम कहते हैं टाइटल बार, टाइटल बार। और देखिए जो यहाँ पर मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और कट का है क्रॉस, इसे हम कहते हैं विंडो कंट्रोल। विंडो कंट्रोल, कंट्रोल बार, ये हुआ आपका। और जैसे कि ये सारे जितने हैं फाइल, होम, डिज़ाइन, मेलिंग, व्यू, डेवलपमेंट, ये जितने सारे हैं ये हैं मेनू बार, इसे कहते हैं मेनू बार। ओके, और फिर जितने ये सारे जो पार्ट रह रहे हैं, जो ये सारे हमारे पार्ट रह रहे हैं, ये सारे जितने दिए हुए हैं, ये होता है आपका स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार, और जो ये होता है ये फॉर्मेटिंग के लिए यूज किया जाता है, तो इसे हम कहते हैं फॉर्मेट टूल बार, फॉर्मेट टूल बार। क्योंकि इटालिक, बोल्ड जो भी करना है आपको, अंडरलाइन करना है, और यहाँ से जो ये कैलवरी है, साइज है, फॉन्ट साइज, टेक्स्ट साइज और उसका व्यू कैसा होना चाहिए, ये आपका कहलाएगा फॉर्मेट टूल बार। अब देखिए जो आपका यहाँ पर दिया हुआ है ये सेव करना, सेव का है, अंडू का है, रिडू का है, और एक और है जो ये पीपीटी में कन्वर्ट करता है, और यह क्लिक का ऑप्शन है, ये कहलाता है क्विक एक्सेस टूल बार, एक्सेस टूल बार। व्हाट इज गटर मार्जिन, सेकेंड क्वेश्चन है। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं फटाफट। ऑप्शन ए है मार्जिन दैट इज एडेड टू द लेफ्ट मार्जिन व्हेन प्रिंटिंग, ऑप्शन बी मार्जिन दैट इज एडेड टू राइट मार्जिन व्हेन प्रिंटिंग, एंड ऑप्शन सी मार्जिन दैट इज एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ पेज व्हेन प्रिंटिंग, एंड ऑप्शन डी मार्जिन दैट इज एडेड टू द आउटसाइड ऑफ द पेज व्हेन प्रिंटिंग। इससे हम क्वेश्चन करने से पहले एक चीज पहले समझ लेते हैं कि गटर होता क्या है। ओके, देखिए ये जो इमेज गिवन है, ये हमारा जो सपोज बुक नोट, जो नोटबुक है या फिर डायरी हो, तो उसे हम बाइंडिंग करवा लेते हैं, ये है आपका बाइंडिंग। तो बाइंडिंग जब करवाते हैं तो जो भी आपका कंटेंट सपोज यहाँ से लिखा हुआ है, यहाँ से लिखा हुआ है, तो उसके पहले इतना स्पेस छोड़ देते हैं ताकि हमारा जब ये बाइंडिंग हो और स्पेस उसका जो मार्जिन बच जाए वो सेफ रहे। तो ये होता है गटर, इसे ही कहते हैं कंप्यूटर के भाषा में गटर कहते हैं। जब हम पेज प्रिंट करते हैं तो उसके लिए स्पेस छोड़ा जाता है कि आप बाइंडिंग करवाने के लिए इतना स्पेस आपको चाहिए। तो एक लेफ्ट गटर होता है और इसका होता है पोजीशन एक टॉप, दो तरह का होता है। तो चलिए अब देखते हैं इसका आंसर, मार्जिन दैट इज एडेड टू द लेफ्ट मार्जिन व्हेन प्रिंटिंग। देखिए लेफ्ट कोई जरूरी नहीं है कि लेफ्ट में भी हो, टॉप में भी हो सकता है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। बी पर जाइए मार्जिन दैट इज एडेड टू राइट मार्जिन व्हेन प्रिंटिंग, देखिए राइट में तो नहीं करते हैं ऐड, या तो लेफ्ट करते हैं या फिर राइट, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। सी मार्जिन दैट इज एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ पेज व्हेन प्रिंटिंग, देखिए जिधर बाइंडिंग करना होता है प्रिंट, जब प्रिंट कर रहे हो और जहाँ पर बाइंडिंग करना हो उस समय उसका स्पेस छोड़ा जाता है। तो देखिए लेफ्ट से कर रहे हैं तो थोड़ा सा स्पेस छोड़ना होगा, या फिर टॉप से कर रहे हैं तो टॉप के लिए स्पेस छोड़ना होगा। तो ये होता है इसका गटर मार्जिन। तो ये करेक्ट आंसर है, ये ऑप्शन डी है। और मैं आपको क्लियरली दिखा देती हूँ कि एमएस वर्ड में गटर कहाँ से दिया जाता है, कितना देना चाहिए, क्या करना चाहिए। चलिए इसके साथ हम एक वीडियो देखते हैं, एमएस वर्ड में देखते हैं कि गटर कहाँ से करते हैं। तो देखिए इसके लिए जाना पड़ेगा आपको लेआउट,
लेआउट है, वहाँ पर आपको पहले जाना होगा इस लेआउट में। इस लेआउट को क्लिक करते हैं, लेआउट को क्लिक किया तो फिर देखिए आपको यहाँ पर एक मिलेगा पेज सेटअप। पेज सेटअप मैं हाईलाइट करके दिखा देती हूँ आपको, ये रहा पेज सेटअप। और यहाँ पर इस एरो पर क्लिक करना है। ओके, तो क्लिक करती हूँ मैं इस एरो पर। देखिए यहाँ जैसे ही क्लिक हुआ न्यू पेज ये पॉपअप हुआ, और उसके बाद मार्जिन पेपर लेआउट, और यही मार्जिन में ही यहाँ पर शो कर रहा है गटर, ये रहा गटर गटर। और देखिए ये गटर का ही है गटर पोजीशन लेफ्ट, और एक आएगा आपका राइट पोजीशन, लेफ्ट पोजीशन एंड सॉरी टॉप पोजीशन, दो ही पोजीशन होते हैं। और ये रहा प्रीव्यू, जिसमें कि हम देखेंगे, देखिए ये यहाँ पर प्रीव्यू दिखाएगा, प्रीव्यू में ही हम देखेंगे कि कैसे उसे करना है। ओके, देखिए इस प्रीव्यू पर आप फोकस ज़रूर दें जब मैं इसे गटर का साइज चेंज करूँगी। देखिए यहाँ पर 0 सेंटीमीटर है, तो 0 से मैं कर देती हूँ, और आप लेफ्ट में देखते रहें, यहाँ पर चेंजिंग आ रही है। ओके, अगर यही गटर का पोजीशन टॉप हो जाए तो क्या होगा, टॉप करने पर आप देखिए टॉप में ही इसका यहाँ पर बाइंडिंग का सिंबल शो हो रहा है, तो ये होता है गटर, सॉरी होता नहीं होता। तो चलिए अगेन हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, होम की यूज्ड फॉर। ऑप्शन है इसके ए मूव द कर्सर बिगनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। ओके, ऑप्शन बी मूव द कर्सर बिगनिंग ऑफ द पैराग्राफ, एंड सी ऑप्शन क्या कह रहा है, मूव द कर्सर बिगनिंग ऑफ द स्क्रीन एंड मूव द कर्सर बिगनिंग ऑफ द लाइन। तो ये आपको बताना है कि इसमें कौन सा कर्सर, मतलब जब जैसे ही होम को प्रेस किया, क्या डॉक्यूमेंट को शुरू में दम लाएगा, या फिर स्क्रीन के शुरू में आ जाएगा, या फिर लाइन के शुरू में आ जाएगा, या फिर पैराग्राफ के शुरू में आ जाएगा। तो इसके लिए हमें एक वीडियो देखना होगा, उसके बाद उसका मैं इसका आंसर करूँगी। ऐसे इसका मैं आंसर बता देती हूँ, लाइन ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए फटाफट इसके लिए प्रैक्टिकली देख, अब देखते हैं होम की का यूज़ करने पर इस एमएस वर्ड में क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये रहा हमारा होम की, और अगर कर्सर आपका कहीं भी है, सपोज मेरा ये वेन, यानी यहाँ पर है ये कर्सर कहाँ है, इस वेन, जो वेन है इसके पहले यहाँ पर मेरा कर्सर है। ओके, अब मैं होम प्रेस करती हूँ, होम प्रेस किया, देखिए ये पॉइंट, यानी यहाँ पर अब कर्सर आ गया, ये हमारा कर्सर आ चुका है यहाँ पर। अगेन मैं प्रेस करती हूँ और कर्सर रखती हूँ यहाँ पर, टू के बाद है कर्सर अगेन यहाँ पर है। अब मैं अगेन होम की प्रेस करूँगी तो क्या होगा, देखिए लाइन के बिगनिंग में आ गया। आप कहीं भी कर्सर रखें और होम प्रेस करें तो आपका ये लाइन के बिगनिंग में आ जाएगा, यही इसका। क्वेश्चन नंबर 4, कंट्रोल प्लस राइट एरो इज यूज टू। ऑप्शन ए मूव्स द कर्सर वन वर्ड राइट, ऑप्शन बी मूव्स द कर्सर एंड ऑफ द लाइन, सी ऑप्शन मूव्स द कर्सर एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, एंड ऑप्शन डी मूव्स द कर्सर वन पैराग्राफ डाउन। तो चलिए इसे प्रैक्टिकली करते हैं, उसके बाद आपको आंसर देना है। एमएस वर्ड में अगर कंट्रोल और राइट एरो, यानी कंट्रोल और राइट एरो को प्रेस किया जाता है, ये है कंट्रोल एंड ये है राइट एरो को प्रेस करते हैं तो क्या होता है। तो देखिए यहाँ कर्सर है हमारा इस लाइन में, इस वर्ड के बीच में, यानी ए जेड ए के बीच में कर्सर है, और मैं प्रेस करने जा रही हूँ कंट्रोल एंड राइट एरो। तो देखिए क्या हुआ, ये चला आया शुरू में, यानी कि जो ये जैसे एक वर्ड है, ये वर्ड है, इस वर्ड को ही जंप करके यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर कर्सर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ देखते हैं अगेन कंट्रोल एंड राइट एरो, देखिए यहाँ प्रूफ के बाद ये यहाँ पर शिफ्ट हो गया। अगेन प्रेस करती हूँ मैं कंट्रोल एंड एरो, अगेन इस एक वर्ड को जंप कर गया। मैं इस वर्ड के ये जो वांट है, वांट के बीच में डब्ल्यू के बाद में कर्सर रखती हूँ, देखिए फिर अगेन क्या होता है, कंट्रोल प्रेस किया एंड अगेन राइट एरो। तो देखिए ये वांट को जंप कर गया, यानी एक वर्ड को जंप करता है आपका कंट्रोल प्लस राइट एरो। अगर यहीं पर देख लेते हैं लेफ्ट एरो क्या करेगा, कंट्रोल एंड लेफ्ट एरो, ये एक वर्ड बैक हो जाएगा, तो आपको दोनों का आंसर मिल। क्वेश्चन नंबर 5, एंड की इज यूज टू।
ऑप्शन ए मूव्स द कर्सर एंड ऑफ द लाइन, बी मूव्स द कर्सर एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, ऑप्शन सी मूव्स द कर्सर एंड ऑफ द पैराग्राफ एंड ऑप्शन डी मूव्स द कर्सर एंड ऑफ द स्क्रीन। इसका आंसर है ऑप्शन ए, ए इज द करेक्ट आंसर। बट कैसे है मैं प्रैक्टिकली आपको बताती हूँ। एमएस वर्ड में अगर इस ये जो एरो है सॉरी जो एरो है एरो के पास हमारा कर्सर है, अगर एंड की प्रेस किया जाता है, यहाँ पर एंड है, अगर एंड की प्रेस करते हैं तो क्या होता है? तो देखिए कर्सर हमारा स्टार्टिंग में है और एंड की मैं प्रेस करती हूँ तो देखिए क्या हुआ, इस लाइन के लास्ट में आ गया। अगेन आप कर्सर कहीं भी रखें, मैं कर्सर पॉइंट के यानी पी के बाद, यहाँ पर पॉइंट यानी पी के बाद मैं कर्सर रख रही हूँ और अगेन एंड की प्रेस किया तो ये लाइन के एंड में चला गया। अगेन आप कहीं भी रखें, सपोज मैं यहाँ रख रही हूँ यू के यानी यू में यू के पहले, तो क्या होता है एंड की प्रेस करने पर वो अगेन लास्ट में चला जाता है। तो ये क्या है एंड की प्रेस करने का। अगर मैं यहाँ होम प्रेस करूँ तो होम की प्रेस किया, ये स्टार्टिंग में आ गया। ओके होम मतलब लाइन के शुरू में और एंड मतलब लाइन के एंड में चला गया। क्वेश्चन नंबर सिक्स, कंट्रोल प्लस पेज डाउन इज यूज टू, ऑप्शन ए मूव द कर्सर वन पैराग्राफ डाउन, ऑप्शन बी मूव्स द कर्सर वन पेज डाउन, सी ऑप्शन मूव्स द कर्सर वन लाइन डाउन एंड ऑप्शन डी मूव्स द कर्सर वन स्क्रीन डाउन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन। चलिए देखते हैं कंट्रोल की के साथ पेज अप या पेज डाउन, जो पेज अप और पेज डाउन की है इसे प्रेस करने पर क्या होता है? तो चलिए देखिए कर्सर हमारा क्या है, इस वीडियो के यानी जो हमारा पैराग्राफ है इसके एकदम स्टार्टिंग में मेरा कर्सर है। ओके और मैं प्रेस करती हूँ कंट्रोल एंड पेज डाउन। तो देखिए ये सेकेंड पेज है जो कि एक पेज को सीधे स्किप करके दूसरे पेज के स्टार्टिंग में आ गया है। अब मैं यहीं से करती हूँ कंट्रोल एंड पेज अप, तो देखिए अगेन ये शुरू स्टार्टिंग में आ गया। अगेन मैं अगर यहाँ रखती हूँ कर्सर को, ये ऑनलाइन जो है इसके पहले कर्सर है हमारा। ओके अब मैं प्रेस करती हूँ कंट्रोल डाउन, अगेन ये आया यहाँ पर सेकेंड पेज के स्टार्टिंग में, यानी एक पेज सीधे वो स्किप कर रहा है। एक बार और देख लेते हैं, मैंने यहाँ अगर इस पेज पेज के पहले यानी जो ये पेज लिखा हुआ इसके पहले मेरा कर्सर है, अगेन प्रेस द कंट्रोल बटन एंड पेज डाउन, पेज डाउन अगेन किया तो क्या हुआ ये नेक्स्ट पेज पर चला गया। यहाँ केयरफुली देखना आपको ये ज़रूरी है कि अगर आपके पास सिंगल पेज है, डबल पेज नहीं है, देखिए मैं इसे यहाँ से इस कंटेंट को यहाँ से डिलीट कर देती हूँ, कंट्रोल एक्स मैंने हटा दिया, अब हमारे पास सिंपल ओनली एक पेज ही रह गया, देखिए बस एक ही पेज रह गया है, अब दूसरा पेज नहीं है। अब यहाँ पर ये कैसे वर्क करता है एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर है कर्सर को या कर्सर वीडियो यानी इस जो वीडियो लिखा हुआ है पैराग्राफ के जस्ट एकदम पहले है बिगनिंग में है और कंट्रोल एंड पेज डाउन, कोई चेंजिंग नहीं हुआ, कुछ नहीं हो रहा है। अगर आप कहीं भी कर्सर रखें, यहाँ भी रख लिया हेल्प के पहले, देखिए यहाँ कर्सर है मेरा हेल्प के पहले और कंट्रोल एंड पेज डाउन, क्या हुआ ये यहाँ पर वर्क किया। देखिए अब मैं रखती हूँ कर्सर को वर्ड से पहले, ये वर्ड है इसके पहले कर्सर रखा, अगेन पेज डाउन, ये चला जाएगा बिगनिंग में। तो क्या हुआ इसका, ये काम तभी करेगा जब आपके पास मल्टीपल पेज हो, ओके यानी मोर देन वन पेज, तभी ये कंट्रोल पेज डाउन या पेज अप वर्क करेगा प्रॉपरली, अदरवाइज ये रैंडमली वर्क करेगा, सही से काम नहीं करेगा। तो ये आपको भी केयर करने की ज़रूरत है। टू अप्लाई सेंटर अलाइनमेंट टू अ पैराग्राफ वी कैन प्रेस ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस एस, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस सी, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस सी प्लस ए एंड डी कंट्रोल प्लस ई। तो देखिए सेंटर में जो अलाइनमेंट है इसके लिए यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस ई, तो ये करेक्ट आंसर है। और जो कंट्रोल एस होता है ये सेव करने के लिए, कंट्रोल सी कॉपी एंड कंट्रोल प्लस सी प्लस ए ये नहीं होता है, कंट्रोल प्लस ए करे तो सेलेक्ट ऑल के लिए यूज़ करते हैं। तो चलिए फटाफट हम देखते हैं इसका प्रैक्टिकली। एमएस वर्ड में अलाइनमेंट देखते हैं, एक होता है हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट, ये होता है सेंटर, राइट अलाइनमेंट एंड होता है आपका जस्टिफाई।
तो आप देख भी रहे हैं कि लेफ्ट के लिए कि कंट्रोल एल प्रेस करेंगे तो आपका लेफ्ट हो जाएगा, तो चलिए प्रेस करते हैं यहाँ कंट्रोल एंड लेफ्ट, कंट्रोल प्लस एल। देखिए ये जो है आपका लेफ्ट में शिफ्ट हो गया, आप इस पर फोकस करें। मैं यहाँ कर्सर रखूंगी और उसके बाद आप चेंजेस देखना इसमें, ओके। मैं कर्सर यहाँ रखती हूँ और प्रेस किया कंट्रोल एंड एल, ये लेफ्ट में शिफ्ट हो गए। अब अगेन मैं प्रेस करती हूँ कंट्रोल और ई, कंट्रोल एंड ई, क्योंकि ये सेंटर में करना है तो ई। देखिए ये सेंटर में हो गया ना, थोड़ा सा स्पेस आ गया यहाँ पर। और अगर मैं राइट में करूँ तो कंट्रोल एंड आर, राइट शिफ्ट हो गया। एंड अगेन जस्टिफाई के लिए कंट्रोल एंड जे, ये देखिए अगेन अपनी जस्टिफाई उस पोजीशन में आ गया और इनके बीच में स्पेस भी सारा क्लियर होता है। अगेन मैं करके दिखाती हूँ, अगर वेन से पहले मैंने यहाँ पर किया है और यहाँ कर्सर है कंट्रोल एंड ई, ये देखिए कर्सर क्या है, ये जो भी आपके यहाँ पर लिखे हुए हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं राइट में। तो ये होता है, ये है इसका एग्जांपल। दैट मींस कंट्रोल ई आपके लिए सेंटर, कंट्रोल एल लेफ्ट, कंट्रोल आर राइट एंड कंट्रोल जे जस्टिफाई के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, द स्पेस लेफ्ट बिटवीन द मार्जिन एंड द स्टार्ट ऑफ अ पैराग्राफ इज कॉल्ड। ऑप्शन ए स्पेसिंग, ऑप्शन बी गटर, सी इंडेंटेशन एंड डी अलाइनमेंट। तो वन बाय वन समझते हैं, स्पेसिंग क्या है, जो जैसे कि पैराग्राफ या फिर टेक्स्ट लिखा हुआ है लाइन बाय लाइन, ओके, तो इनके बीच में जो गैप होता है ये होता है स्पेसिंग, जो कि हम जैसे होता है 2 का स्पेस दिया या 1 का स्पेस दिया या 1.5 का स्पेस दिया, ये होता है स्पेसिंग। गटर जब हम बाइंडिंग करवाते हैं तो बाइंडिंग के लिए स्पेस कुछ प्रिंट से पहले प्रिंट जब करवाने जाते हैं तो वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ देते हैं बाइंडिंग के लिए, तो होता है गटर। दो तरह का गटर किया जाता है, बाइंडिंग किया जाता है, ये पिछली बार पिछली क्वेश्चन में हमने ये दिखाया है। सी इंडेंटेशन क्या होता है, जो मार्जिन सपोज यहाँ से आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ से टेक्स्ट लिखा हुआ है और यहाँ से जबकि स्क्रीन है, ओके, तो इनके बीच में ये सारा स्पेस छूटा हुआ है, ओके, तो ये होता है यहाँ देखिए। और यहाँ पर आपका एक रूलर दिया होता है जो कि बताता है 1, 2, 3 लिखा हुआ होता है, और उस रूलर में होता है कि यहाँ से यहाँ तक आपका मार्जिन हो और यहाँ से जो क्या है आप वर्ड लिखना शुरू करते हैं। यहाँ तक आपका मार्जिन था लेकिन आप वर्ड इतना स्पेस छोड़ करके भी यहाँ से लिखना शुरू किए हैं, तो जो ये स्पेस छूटा हुआ है उसे ही कहते हैं इंडेंटेशन, ओके। और अलाइनमेंट क्या है, लेफ्ट अलाइनमेंट, लेफ्ट राइट एंड सेंटर, और एक होता है जस्टिफाई, ये चार होते हैं अलाइनमेंट। बट आपका क्या है, ये इंडेंटेशन क्या होता है, ये आपका जो मार्जिन है और मार्जिन के बाद जब आप कोई टेक्स्ट यहाँ से लिखना शुरू कर रहे हैं तो यहाँ से यहाँ जो गैप है ये कहलाता है इंडेंटेशन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9, टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर ऑफ एमएस वर्ड इज। ऑप्शन ए वर्ड कलर, बी वर्ड फॉन्ट, ऑप्शन सी वर्ड आर्ट एंड ऑप्शन डी वर्ड फील। तो वर्ड कलर क्या होता है, ये वर्ड को कलर करने के लिए बहुत सारे कलर्स जो अवेलेबल होते हैं वो होते हैं वर्ड कलर। वर्ड फॉन्ट जो आप देखते हैं साइज बढ़ाने का 11, 12, 14 एस ऑन, ये फॉन्ट इंक्रीज करता है। वर्ड आर्ट जो है वो टेक्स्ट को स्टाइलिंग करता है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब वर्ड फील ये डिफरेंट है, और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, टू चेंज लाइन हाइट टू 1.5 वी यूज शॉर्टकट की। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस 1, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस 2, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस 3 एंड ऑप्शन डी कंट्रोल 5। तो मैं आपको बता दूं कि जो कंट्रोल प्लस 1 है इससे कोई चेंजिंग नहीं आती है, जैसे कि आपके पैराग्राफ लिखे हुए लाइन है आपके 1, 2, 3 ये सारे लाइन है, अगर आप कोई कंट्रोल प्लस 1 करते हैं तो आपका जो पहले जैसा था वही सुख होगा। कंट्रोल प्लस 2 कीजिएगा तो ये दो दो का स्पेस जनरेट करेगा, और कंट्रोल 3 क्या होगा ये रैंडम पता नहीं क्या टाइम यहाँ शो करता है, इसके बारे में मुझे कोई अभी नॉलेज नहीं है, अगर है आपको तो प्लीज़ आप कमेंट में लिखें। और जो डी ऑप्शन है ये करेक्ट है, जैसे ही आप कंट्रोल प्लस 5 प्रेस करोगे तो आप
को बस 1.5 का जो डिस्टेंस है उसमें स्पेसिंग आ जाएगा।